जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं श्री शिव महापुराण कैलाश संहिता खंड का तीसरा अध्याय पर्णव पद्धति सुना रही हूँ। सुनिए, शिव जी बोले, हे देवी, जो कुछ तुमने मुझसे पूछा है वह मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। इसके शरण मात्र से जीव शिव के समान हो जाता है। जो प्रणव का अर्थ जान लेता है, जान लो कि वह मेरे ज्ञान को जान गया। प्रणव तत्व मंत्र सब मंत्रों का बीज है, और वही बीज वृक्ष के समान सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और बहुत स्थूल है। वेद का आदि देव का सार और मेरा स्वरूप, वह तीनों गुणों से परे सर्वज्ञ और सबका करता है। प्रणव अर्थात ओम, यह एक अक्षर का मंत्र ऐसा है जिसमें स्वर्गत शिव जी सर्वथा ही विद्यमान है, और जगत की यह समस्त वस्तुएं गुणमयी हैं, जो उद्दान के संयोग से सब कुछ विराट रूप स्थावर जड़गात्मक दिखाई पड़ती है। इस प्रकार यह सब कुछ प्रणव का अर्थ ही है। यह एक ही अक्षर ब्रह्म और सब अर्थों का साधक है। इसी ओम ऐसे आकार युक्त प्रणव से शिवजी ही सर्वप्रथम जगत के निर्माण करता है। शिव ही प्राण रूप और प्रणव ही शिव है। इस वाचक में कुछ भेद नहीं है। इस प्रकार मैं ही ब्रह्म ऋषि और एकाक्षर रूप हूँ। मुझ वाचक की इस एकता को विद्वान ही जानते हैं। प्रणव ही सबका करता है। मुमुक्षु ही इस निर्विकार परमेश्वर प्रणव को जानेंगे। यही सब मंत्रों का शिव मणि है, और इस ओमकार को ही मैं काशी में प्राण त्यागने वालों को देता हूँ। हे अंबिके, पहले मैं इसी प्रणोद्धार का वर्णन करता हूँ, जिसकी जानकारी होने मात्र से परम सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इस ओमकार की प्राप्ति के लिए सबसे पहले कला का उद्धार करें। पहले आकार के आश्रित निवृत्त कला का उद्धार करें, फिर उकार में ईंधन कला का, मकार में काल कला का, नाद में दंड और बिंदु में ईश्वर कला का उद्धार करें। इस प्रकार पंच वर्ण रूप प्रणव का उद्धार होता है। यह तीन मात्रा और बिंदु नादात्मक का जाप तो महामुक्तिदायक है। ब्रह्मा से लेकर सब प्राणियों तक यह प्रणव ही सबका प्राण है, और उकार मकार के क्रम से इसकी यह तीन मात्राएं हैं, और फिर यही ओम हो जाता है। यह ओम वेदों के आदि में कहा जाता है, और वह ओमकारात्मक भी मैं ही हूँ। इसी महान बीज के आकार के रजोगुण से ब्रह्मा और उकार जो उसकी प्रकृति योनि है, उससे सत्य गुण के पालन करने वाले हरि और मकार पुरुष बीज तमोगुण से संहार करता शिव उत्पन्न होते हैं, तथा जब इन साक्षात महेश्वर देव का तिरोभाव होता है जो बिंदु रूप है, और सब पर कृपा करने के लिए वही नाद रूप भी है। जब ध्यान में बैठे तब इन्हीं नाद रूप शिव को मस्तक में विचार कर वहां ध्यान करें, क्योंकि यह पर से परे और मंगल रूप है। यही सर्वज्ञ सत्य के कर्ता सर्वेश निर्मल अविनाशी आदित्य और पर ब्रह्म है। वही आकार की अपेक्षा से व्यापक और
आकार की अपेक्षा से ओमकार रूप में सब में व्यापक और उकार के नीचे के भाग में व्याप्त है, इस प्रकार की भावना करें। इसी प्रकार इन अनारादिक पांच वर्णों में ब्रह्मा के स्वरूप को देखें। सग, वाम, सेव, घोर, पुरुष, ऐशान, यह कर्म से मेरी ही मूर्ति है। तीसरा अध्याय समाप्तम जय भोलिक। चौथा अध्याय, शिवजी ने कहा, हे महादेवी, अब मैं तुम्हारे अनुरोध से सन्यास और अहिंक कर्म कहता हूँ, जो सांप्रदायिक अनुरोध है। यही तो उचित है कि वह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने उस गुरु का ध्यान, जो सहस्त्र दल वाले श्वेत कमल में बैठे हुए हैं, उस प्रकार के मनोहर भावों से उक्त हो उनकी पूजा कर नमस्कार करें और यह कहें कि मैं प्रातः से सायंकाल तक जो कुछ करूँगा उसमें आपकी ही प्रेरणा होगी, मुझे आप ही का बल है। हे जगन्नाथ, यहाँ आपकी पूजा है। गुरु से ऐसा कह उनकी आज्ञा लेकर जितेंद्रिय हो आसन पर बैठ प्राणायाम करें और मूल से लेकर ब्रह्माधरण तक के छह हो चक्रों का ध्यान करें, जिसमें करोड़ों बिजली के समान सारा तेज समाया हुआ है। फिर उसके मध्य में वह मुझ सच्चिदानंद निर्गुण ब्रह्मा और अनामय रुद्र शिव का चिंतन करें। फिर उठकर जहाँ तक इच्छा हो टहलने के लिए बाहर दूर तक चला जावे। फिर अपने नित्य नियमित कर्मों को करें और स्नान से शुद्ध हो। इस प्रकार गुरु से सारी विद्याएं सीख और पद्धतियों में देखकर पंचाक्षरी का उच्चारण करते हुए छह प्राणायाम करें और ओमकार रूपी ईश्वर का बड़ी सावधानी से मन में ध्यान करें और तीन अर्घ देवे। फिर 108 मंत्र जप कर बारह बार तर्पण करें और आचमन कर तीन प्राणायाम करें। मौन हो ऋषियों को स्मरण करें और जब पूजा के स्थान में जाना हो तो मौन हो पैर धोकर विधि पूर्वक आचमन कर पूजन के मंडल में आवे और जब आना हो तो पहले दाहिने पैर उठावे। चौथा अध्याय समाप्तम जय भोले की। पांचवा अध्याय, सन्यास मंडल की विधि, यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की, हर हर महादेव, बम बम भोले।